चकवाल चीजें लेने एक बहुत ही खूबसूरत गांव की सुबह के साथ आप सबको करती हूँ गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो कि गांव में हूँ, मौसम बहुत ही प्यारा है आज माशाल्लाह। रात को भी और सुबह भी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बहुत खूबसूरत मौसम है। सेकेंड ये कि मेरी सफाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। और तीसरी खुशखबरी ये है कि जमशेद भी आ गए हैं, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया आकर, और आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं माशाल्लाह। तो बस अब सुबह का टाइम है, तकरीबन जो है वो 7:30-8:15 हो रहे हैं। तो बस अभी बनाते हैं नाश्ता, वो बैठे हैं जैम। अस्सलाम वालेकुम कर दें भाई व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसे हैं भाई सब लोग? गांव की सुबह में आपको का स्वागत है माशाल्लाह। तो बस अभी बनाते हैं नाश्ता। नाश्ते में क्या खाना है? मिल्क शेक बना दूं ठंडा ठंडा? क्या कहते हैं, मैंगो मिल्क शेक है? मैंगो है? हाँ है जी, लाई नहीं हूँ। एक गिलास चले तो बस मैंगो मिल्क शेक बनाते हैं। पराठे खाने में ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है, गांव में आके ना गांव वाली बातें करते हैं कि गांव वाली मुझे जो है ना हैवी हैवी खाने दे दो। तो चलें बस किचन में चलते हैं अब और लाइट वगैरह ऑन करते हैं और मिल्क शेक बनाते हैं जी। और एक मैंने मैंगो भी निकाल लिया है, दूध भी रख लिया है, तो बस इसको काटते हैं और मिल्क शेक बनाते हैं। ये सुबह सुबह ना मेरी एक बहुत ही अच्छी बाजी हैं, वो मुझे साग देकर गई हैं, और ये साग को कहते हैं जी जमा का साग हमारी जबान में। बहुत ही फ्रेश आपको नज़र आ रहा होगा, बस मैंने वॉश किया है इसको। तो अभी ये भी बनाना है, पहले मिल्कशेक बनाती हूँ जमशेद का। मैंगो का सीजन हो और मैंगो खाने का बहुत दिल करता है, और ठंडा माशाल्लाह और मजे का। ये कौन सा आम होता है भाई? मुझे तो नाम भी नहीं आते ना, वो इसमें डाला हमने दूध, ये है सिंदड़ी है। अच्छा सिंदड़ी है, नहीं सिंध से आता है ये। सिंदड़ी जो है ना वो उसके लिए जूस के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं मुल्तान का भी होता है, और चौंसा जो होता है व्हाइट चौंसा वो खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, वो मजेदार होता है, सही जबरदस्त था। और इसके बाद वो एक चूसने वाला होता है, वो होता है, वो जो कहते हैं लप्पू लाए थे वो कौन सा था, ग्रीन वाला? वो तो लंगड़ा था ना, वो लंगड़ा था। चूसने के लिए वो होता है अनवर लटोर, वो क्या मजेदार होता है यार माशाल्लाह। दूध कम है, थोड़ी शुगर डाली है, हम दूध और ऐड कर लेते हैं इसमें, क्योंकि 3-4 ग्लास बनाने, मैं भी तो पीऊंगी ना भाई। बहुत मजे का मैंगो जूस और सुबह की पे अम्मी भी कह रही है भाई बहुत मजे का बना है। कैसे मिला? जो वीडियो को गौर से देख रहे होंगे ना उन्हें ना चिड़ियों की चहचहाने की आवाज पीछे आ रही होगी, इतनी प्यारी चिड़िया है माशाल्लाह, और डिफरेंट किस्म की, और इतनी प्यारी चहचहा रही है ना, अच्छा लग रहा है। लाइफ का ना मजा ही अपना है, आपको वो मजा शहर में नहीं आ सकता जो आपको गाँव की लाइफ का। डेफिनेटली इंसान शहर में रहता है अपने रोजगार की वजह से, डेफिनेटली वो जॉब्स वगैरह नहीं होती यहाँ पे, लेकिन अगर गांव में ये सहूलियात, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम गांव में सेट हो सकता है, तो गांव से बढ़ के लाइफ का मजा जीने का कहीं और नहीं है। ये है बहुत ही खूबसूरत सा, और ये हमने लिया है बहुत ही खूबसूरत कुर्बानी का जानवर, और बिल्कुल वाइट, और मैं आपको बताऊँ इसकी पलके भी बिल्कुल है ना वाइट सी है, और माशाल्लाह बहुत प्यारा है, और बड़ा मासूम सा। अम्मी अबू ने जो है ना 2-4 दिन पहले अपने पास लिया है ताकि इसको थोड़ा प्यार मोहब्बत के साथ इसको डील किया जाए, थोड़ा अपनाइयत के साथ। इब्राहिम कैसा है? से मैं पूछूं इब्राहिम कैसा है, कह रहे मामा बहुत अच्छा है, तो माशाल्लाह अच्छा है, इसको जो है ना चराते भी हैं, शाम को खिलाते हैं, घास वगैरह खा लेता है। अल्लाह ताला कबूल करे, असल चीज है अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल करे, आमीन। और ये मैं आपको लेकर चलती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत बाग में, और बाग जो है ये हमारा ही है समझे, और इसमें हर किस्म का फलदार दरख्त है। अब मैं आपको काउंट करके नहीं बता सकती, आम अंगूर अनार
जामन सब कुछ है, ये पपीता है माशाल्लाह सब कुछ है। और ये इतना खूबसूरत व्यू है हमारे गांव का, हमारी बैक से, ये हमारे घर की बैक है, इतना प्यारा व्यू है। बारिश के बाद जो है ना बहुत हर चीज ऐसे लग रही है जैसे वॉश हो गई है, अल्लाह ताला ने ना हर चीज को धो दिया है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जो है ना। और ये अभी तकरीबन आप समझें कि 6 महीने हुए इस बाग को प्रिपेयर किए हुए, और अभी इसमें और भी चीजें हम ऐड कर रहे हैं माशाल्लाह। और हम सब जा रहे हैं चकवाल चीजें लेने, ग्रोसरी वगैरह करने, छोटी मोटी सब्जी वगैरह। ये तो वगैरह। तुमने बड़ी स्पेशल सी चीज उठाई हुई है ना, मैंने मुझे दी है ना, पहले होती थी पहले जमाने में गाँव में ना। ग्रॉसरी करने पहुंचे हम एक ही अपने एरिया के बहुत ही अच्छे स्टोर में, लेकिन इतना ज्यादा हमें जो है ना अफसोस हुआ, क्यों? क्योंकि हम लेट हो गए थे और चीजें सारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने कुछ यहाँ पे जनाब रोड के ऊपर हम रुके माशाल्लाह से, खेत है ये देखे हरे भरे माशाल्लाह से, गांव का एरिया हमारा, यहाँ पे ताजा भिंडी लगी हुई थी और राज साहब जनाब वो भिंडी इस टाइम ढूंढ रहे हैं माशाल्लाह, ओए कितनी फ्रेश है माशाल्लाह, ये चेक करें आप। साथ लगा हुआ है गन्ने का ताज़ा रस, ओए अभी इसके बाद पीते हैं राज गन्ने का रस, ठीक है ये चेक करें जनाब। राज ने अपने हाथ से सारा गन्ने का जूस बना रही है, मजा आ गया भाई, सही मजेदार है, मौसम भी बेहतर है और उसके साथ ये ठंडा जूस। वाह